आपके कहने का मतलब कि इसका जो मेमना है वो खेतों में डालते हैं तो उससे एक पैदावार अच्छा आता है जी। और खेत का जो भी वेस्टेज निकलता है घास निकलता है या जो फसल लगा रहे हैं वो इनको दे सकते हैं तो लगभग कहीं ना कहीं कम खर्चे पे एक तरह से बकरी पालन आप कर रहे हैं यानी मेरा बिल्कुल खर्च नहीं है इसमें अच्छा जो खेती से निकलता है जी वही इन लोग को हम खिलाते हैं अच्छा दोस्तों नमस्कार आज हम गांव में आए हुए हैं पूरा जो आसपास देख सकते हैं पूरा खेती खेत है और खेतों के बीच में यहाँ पे बकरी पालन का काम हो रहा है और काफ़ी अच्छे लेवल पे काफ़ी सस्ते ख़र्चे में एज ए ग्रेजिंग पर्पज़ से बकरी पालन ये कर रहे हैं किसान भाई तो आइए आपको किसान भाई से मिलाते हैं और देते हैं जानकारी कैसे ये बकरी पालन कर रहे हैं क्या इनका खर्चा आता है कितना ये कमाते हैं इसके पूरे विषय में बात करेंगे उसके पहले बोलना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बोला सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में थोड़ा सा हम आपके फार्म का टूर करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि एक छोटा सा परिचय आप दे दीजिए हमारे किसान भाइयों के लिए जी वेलकम है जी ए, मेरा नाम शेख मकसूद जी ग्राम धामसर हुआ जी लालपुर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सारण जी सर ये जो हम देख रहे हैं फार्म आपका पूरा खेतों में आपने फार्म बनवाया हुआ है और खेतों के बीचे बीच ये फार्म है जी तो थोड़ा सा इसका बेनिफिट क्या होता है खेतों में फार्म करने से और कब से फार्मिंग कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप देखिए मैं फार्मिंग शुरू जब किया था तो दस बकरे से किया था अच्छा मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अस्सी टारगेट पार किया था एक बार अच्छा अच्छा जिसमें जो हम माल सेल कर दिए अच्छा तो फिलहाल में अभी पचास से साठ के बीच बकरी है बीच आपके में बकरी है आपने कितना साल पहले स्टार्ट किया था बकरी करीब छः साल पहले छः साल पहले स्टार्ट किया था जी। उसके पहले थोड़ा सा बताइएगा कि अपने बारे में कि आप कौन सा काम करते थे कहाँ रहते थे और बकरी पालन में जो कैसे आना हुआ कैसे इंटरेस्ट जगह आपका मैं पहले ग्यारह साल सऊदी में काम किए अच्छा तो मेरा वहाँ काम था गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स का अच्छा अच्छा जब वहाँ से जब मैं आया तो मेरे दिमाग में लगा कि मैं अपना कोई बिजनेस करूँ जी क्योंकि मतलब जो लोग बाहर जाते हैं वो हमेशा बाहर नहीं कमा सकते एक समय होता है उसके बाद से घर को आना ही होता है आना है जी तो घर पे आने के बाद आपको थी मतलब बकरी पालन अच्छा लगा जी जी इसमें इसमें फ़ायदा है कि घर पे अपना बकरी पालन भी कर ले रहे हैं जी और अपना खेती भी कर ले रहे हैं अच्छा अच्छा आस पास में देख रहे हैं की आपकी काफी खेती है हाँ, हमारे और पास पूरा हुए हैं आप और भी सारा खेती कर रहे हैं जी तो हम जानना चाहेंगे तो खेतों के बीच, बीच में फार्म रखने में क्या क्या बेनिफिट होता है इसका कोई नुकसान सही मिलता है जी और खेती से ये फायदा है की दोनों एक दूसरे से पूरक है अच्छा अच्छा इसका जो तो खाद जो निकलता है खादर जी मेमना निकलता है हाँ। जो भी। तो इसको खेत में डालेंगे तो उसे पैदवार ज्यादा होता है अच्छा तो उसी पैदवार से हम इन लोगों को खिलाते हैं जी आपके कहने का मतलब कि इसका जो मेमना है वो खेतों में डालते हैं तो उससे एक पैदवार अच्छा आता है जी। और खेत का जो भी वेस्टेज निकलता है घास निकलता है या जो फसल लगा रहे हैं वो इनको दे सकते हैं जी तो लगभग कहीं ना कहीं कम खर्चे पे एक तरह से बकरी पालन आप कर रहे हैं यानी मेरा बिल्कुल खर्च नहीं है इसमें अच्छा जो खेती से निकलता है वही इन लोग को हम खिलाते हैं अच्छा खेती में अभी इनके लिए जो हरा चारा आप लगाए हुए हैं कौन कौन सा हरा चारा लगाए हुए हैं अभी हम हरा चारा अभी हम सुडान लगाए हुए हैं जी नेपियर है जी अभी फिलहाल में बरसीम जी हाँ बरसीम के बाद एक मक्खन होता है मक्खन ग्रास हाँ हा, अच्छा, मक्खन तो ग्रास।, ग्रास भी आप लगाए हुए हैं जी जी उसके अलावा भी कहीं ना कहीं दाना तो इनको दिया जाता होगा दाना में मैं मक्का देता हूँ जी और गेहूँ देता हूँ गेहूँ हैं है बाकी खरीद कर हम नहीं देते हैं कोई अच्छा आपके पास हम देख रहे हैं काफी मतलब बड़ी बकरी में काफी हेवी क्वालिटी में ब्रीडर भी है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे ये जो मैं फॉर्म शुरू किया था जी तो इसी ब्रीडर से मैं शुरू किया था अच्छा ये तोता परी का है जी मेरे पास दो तोता परी है जी एक इधर भी है अच्छा एक यहाँ भी देख रहे हैं काफी हाँ, अच्छे क्वालिटी में एक और काफी बड़ा जानवर है जी तो इसको आपने कहा था और कितना दिन पहले मंगाए थे मैं इसको राजस्थान से लेकर आया था राजस्थान से लेकर के आए थे आज से छह साल पहले लगभग जी अच्छा छह साल का ये हो गया छह साल का हो गया करीब और आज भी ब्रीडिंग करता है अपने आपके काम पे इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है अच्छा अभी देख रहे हैं की लगभग पचास इका बकरी साठ के बीच में आपके पास बकरी एक मैं ब्रीडर लेकर आया हूँ बरबरी का बरबरी का बकरी हम हाँ। देख रहे हैं कि आपके पास मतलब मिक्स ब्रीड में आप रखे हुए हैं जी भी आपके पास कौन कौन सी नस्ल में बकरियां है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा मेरे पास ज़्यादा परी है जी बरबरी है अच्छा आ, अभी मैं शुरू किया हूँ अफ्रीकन आफ, आफ, जो बोर है जी बोर का बच्चा उस... भी लाए हैं जो ब्रीडिंग कराने के लिए उसके बारे में जी सबसे मेन बात है जी कि ब्रीडर चाहे कोई भी हो जी क्रॉस जो ब्रिड है बच्चा है जी उसका ग्रोथ अच्छा है उसका रिजल्ट अच्छा मिल भी जी तो आप क्रॉस ब्रीड में भी काम कर रहे हैं हाँ, और आपके फार्म पे देख रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग में भी अच्छा खासा क्वालिटी अभी है आपके पास जी अच्छा खासा वेट गेन कर रहा है जी जी अगर बात कीजिए कि 50 से 60 बकरी के बीच में आपके पास है इसको मैनेज करने के लिए कितना टाइम देते हैं कितने आदमी लगते हैं इसको मैनेज करने के लिए और कैसे मैनेज करते हैं कोई खास नहीं होता है करीब लगभग दो तीन घंटा सुबह में टाइम देना पड़ता है तीन घंटा अच्छा आ, फिर शाम में चार घंटा अच्छा इनको मतलब फार्म पे ही खिलाते हैं जी आपके पास हम आपके पास हम देख रहे हैं कि एरिया है आप इनको ग्रेजिंग पे भी रख सकते हैं इनको चरा भी सकते हैं चरा तो चरा सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं अच्छा। कभी कभी निकालते हैं इन लोग को कभी कभी निकालते हैं भी इनको फार्म पे क्या क्या देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए डेली रूटीन में क्या डेली रूटीन में हरा चारा तो डेली देते हैं अच्छा यानी मेरा फार्म हरा चारा पे ही है अच्छा हरा चारा हम ज़्यादा देते हैं जी रह गया कि दाना में हम देते हैं गेहूं देते हैं जी खाड़ा भी गेहूं दे देते हैं जी उसको दलिया बना के भी देते हैं जी और मक्के का दलिया देते हैं मक्के का दलिया देते हैं जी ओके okay. यही देते हैं बाकी कुछ नहीं देते हैं जी हाँ। तो आ, जो दाल आपका सैलरी पैकेज भी था जी उसको छोड़ कर के मतलब थी, देसी बकरी में आना कैसा रहा अनुभव अब, अब तक का अनुभव यही रहा कि चाहे सऊदी में दस साल रहे चाहे बीस साल रहे एक रोज घर पे आना है जी जब दस साल बाद आदमी जब आता है तो यहाँ कोई ठिकाना नहीं रहता जी कि हम क्या करें अच्छा अब तो समय निकल गया समय निकलने के बाद आदमी क्या करेगा यहाँ क्या करेगा तो फिर अपना सोचे कि अपना खुद का रोजगार शुरू करो। खुद का कर रोजगार हाँ। कि अपना कस्ट किसी कस्टडी में नहीं काम करें जी अपना पर्सनल काम करें अच्छा तो दिमाग में आया कि क्यों नहीं बकरी पालन ही शुरू करें जी सऊदी अरब का नौकरी छोड़ करके बकरी पालन में आना कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस जो चलता है प्रॉफिट के हिसाब से ही चलता है आप छः साल से कर रहे हैं एक अच्छा खासा अनुभव आपको हो गया है बकरी पालन में तो बताना चाहें कि ये जो पार्ट टाइम आप बकरी पालन कर रहे हैं ठीक है तो क्या इससे इनकम हो जाता है मंथली बेसिस पे सालाना बेसिस पे अगर बताना चाहें कि साल का कितना इनकम हो जाता है यानी कि पचास बकरी पे मैक्सिमम खर्च काट कर जी साढ़े तीन लाख रुपया आपका बचत होगा बचत हो रहा है अभी आपका जो बचत हो रहा है और ये जो आप कर रहे हैं एज खेती के साथ कर रहे हैं जी हम यहाँ पे देख रहे हैं काफी सारा आपका लैंड भी है उसमें आप खेती भी कर रहे हैं और खेती में भी थोड़ा सा बताना चाहें कि कौन कौन सा खेती आप मुख्य कर रहे हैं मुख्य खेती हमारा है मक्का जी गेहूँ जी और आलू वगैरह आलू वगैरह ज्यादा घास पे हम फोकस करते हैं ज्यादा घास को भी देना चाहिए हरा हा, चारा पे चलिए तो एक खर्चा छांट करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कहीं ना कहीं आप ले रहे हैं मेरा दोनों तरह से इनकम है जी एक बकरे से भी है जी एक एग्रीकल्चर से भी है तो कहीं ना कहीं अपना खेती के साथ ये भी मैनेज हो रहा है और अच्छे मैनेज हो रहा है चलिए आपका जो हम फार्म भी देख रहे हैं जो सेड आपने बनवाया हुआ है खेतों में बनवाया हुआ है और चारों तरफ से बाउंड्री करके ईंट से एक अच्छे लागत में बनवाया हुआ है तो पचास बकरियों के लिए जो आप अभी सेड पे इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कितना लागत आपको आया था देखिए मैं तो इसको बनाया था छः साल पहले जी छः साल पहले लगभग इसमें दो ढाई लाख रुपया मेरा खर्च हुआ था दो ढाई लाख रुपया खर्च हुआ था पूरा ये बाउंड्री करने में पूरा एकोरेट मेरे पास हिसाब नहीं है लेकिन ढाई लाख के लगभग लागत आया था लागत आया और इसका एरिया जो बात किया जाए कितना एरिया भी है इस फार्म का स्क्वायर फीट है तक हजार भी रहती है बकरिया रात में भी यहीं पे रहती है, या हाँ, के खुला रहता है।, खुला रहता है। गर्मी में खुला जी ठंडी में थोड़ा इंतजाम करना पड़ता अच्छा है अच्छा। ये अपने जो बाउंड्री कराया हुआ है इनके लिए बेटर है कि कोई जानवर अंदर नहीं आता है तो आप खुला भी छोड़ देते हैं रात में ये पूरा खुला घूमती रहती है जानवर का तो यहाँ कोई डर नहीं है जानवर का कोई डर नहीं है सेफ है चारों तरफ से अच्छा भी पूरा खुला घूमती रहता है सर अभी आपके फार्म पे चार पांच नस्ल की बकरियां है चार पांच नस्ल में मिक्स में आप काम कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए अगर आप बताना चाहें कि सबसे बढ़िया क्वालिटी जो अपने इन्वायरमेंट के लिए अपने जगह के लिए अभी बिहार में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ के लिए कौन सी बकरिया होगी देखिए सबसे पहली बात है कि जो अपने यहाँ लोकल बकरी है ब्लैक बंगाल जी अगर उसको बड़ा सा बड़ा ब्रीडर से आप क्रॉस करा रहे हैं जी क्रॉस नस्ल निकाल रहे हैं ज़्यादा बेनिफिट है अच्छा मतलब क्रॉस करने पे उसमें ग्रोथ अच्छा है ग्रोथ अच्छा है जी बकरी के हिसाब से उसको क्रॉसिंग कराना चाहिए जी जो बड़ी बकरी है उसको बड़ा बड़ा बकरा ब्रीडर से, है। से। मतलब क्रॉस पे काम कर रहे हैं देसी ब्लैक बंगाल में तो कहीं ना कहीं रिजल्ट उसका अच्छा है ब्लैक बंगाल का रिजल्ट अच्छा अच्छा है। है। लेकिन ब्रीडर बड़ा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए हाँ कोई भी कोई भी नसल का हो बड़ा ब्रीडर तो किसान भाई क्रॉस ब्रीड पे भी काम करके एक अच्छा मतलब बेनिफिट ले सकते हैं बकरियों से बहुत अच्छा बिजनेस उसमें बेनिफिट है जी क्रॉस पे धन्यवाद सर तो दोस्तों पूरा देसी तरीके से यहाँ पे फार्मिंग हो रहा है पूरा खेतों में ये फार्म है आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में आप बता सकते हैं और बोलना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए और ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पर पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं और ये कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा धन्यवाद